पर जालौन के कोच में रंगपंचमी के अवसर पर स्वर्णकार समाज की महिलाओं ने होली मिलन समारोह बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। स्थानीय मुरली मनोहर मंदिर में आयोजित आज रंगपंचमी के अवसर पर होली मिलन समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया। रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामना दी। महिलाओं ने बताया कि ऐसे आयोजन के माध्यम से महिलाएं कुछ समय अपने लिए निकालती हैं, जिससे एक दूसरे से मेल मिलाप हो जाता है और समाज में जो प्रतिभाएं निखर कर आती हैं, जिनसे एक दूसरे में सद्भावना बढ़ती है। महिलाओं ने मंदिर में धार्मिक भजन एवं संगीत का आयोजन किया एवं ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहें, इस पर जोर दिया। पंचमी के दिन हम लोग सभी महिलाएं उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ेगा, जिससे यहाँ आने का यही एकमात्र उद्देश्य है। ये अपने काम में घर पर इतने बिजी रहते हैं जिस कारण हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन जब यहाँ हम उपस्थित हुए हैं आज सबसे मिलेंगे, एक दूसरे से अपनी रंग पंचमी रंग लगा कर सभी को एक दूसरे से मिले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। यही उम्मीद रखते हैं कि हर बार इसी तरह से और भी कार्यक्रम करते रहेंगे हम लोग, जिससे सभी एकता बढ़ेगी और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये मुरली मनोहर कमेटी के द्वारा ये मनाया जा रहा है। अभी करीबन 40 महिलाएं उपस्थित हुई हैं, आने की और उम्मीद है, थोड़ा 5 बजे तक उपस्थित हो जाएंगी और महिलाएँ। इस कार्यक्रम में हम लोगों का थोड़ा डांस का भी प्रोग्राम है और इसका मुख्य उद्देश्य है जो महिलाएं एक दूसरे से परिचित नहीं है, बाई फेस तो सभी से परिचित होते हैं हम लोग, लेकिन है ना इंट्रोडक्शन नहीं जानती हर किसी का, तो वो भी हम लोगों ने रखा है कि हम लोग एक दूसरे से परिचित हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ जनपद जालौन के कोच में रंग पंचमी के अवसर पर गुलाबी गिरोह की महिलाओं ने भी होली मिलन समारोह कुशवाहा लाज में हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें गुलाबी गिरोह की राष्ट्रीय कमांडर अंजू शर्मा के साथ सैकड़ों गुलाबी गिरोह की महिलाएं मौजूद रही। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सहभाग किया, जिसमें कोच उप जिलाधिकारी मोइनुल इस्लाम व तहसीलदार भूपाल सिंह, सीओ नवीन कुमार नायक, चेयरमैन प्रतिनिधि विज्ञान सिरोठिया उपस्थित रहे। रंग गुलाल लगाकर शुभकामना दी गई, लोगों ने हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया। इसका सबसे मेन उद्देश्य तो यही है कि रंगों का त्यौहार होता है, मेल मिलाप का त्यौहार, तो हमने इसी के माध्यम से अधिकारियों को बुलाया और उन्हें एक रंगों के वजह से लेकर के और एक उन्हें संदेश भी दिया कि हम महिलाएं प्रेम का प्रतीक भी हैं और हमने अपने बारे में उन्हें बताया, अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया, महिलाओं को जो भी समस्याएं थी छोटी छोटी उनसे भी उन्हें अवगत कराया। तो त्यौहार के माध्यम से जो मेल मिलाप होता है उसको लेकर के हमने अपनी समस्याएं भी रखी उनके सामने। सैटेलाइट न्यूज के लिए अनुज पाटकर की रिपोर्ट।